क्वेश्चन है, कैन आई डू फुल टाइम पीएचडी विद फेलोशिप इन माय ओन सब्जेक्ट एंड एमए एजुकेशन डिस्टेंस मोड साइमल्टेनियस, प्लीज रिप्लाई। देखिए, जब ओपन यूनिवर्सिटी है तो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए कोई माइग्रेशन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल इग्नो में माइग्रेशन नहीं चाहिए होती है, तो इट मींस आप पीएचडी इन योर सब्जेक्ट एंड एमए एजुकेशन अगर इग्नो से अवेलेबल है तो वो साइड बाय साइड कर सकते हैं। सर, मैनी मेजर सब्जेक्ट कॉमर्स और माइनर सब्जेक्ट पंजाबी है, क्या मुझे एडिशनल सब्जेक्ट बिल्कुल देना पड़ेगा? इलेक्टिव पंजाबी नहीं पढ़ी आप कॉमर्स वालों ने, इलेक्टिव पंजाबी का आपको देना पड़ेगा। खिंच लो भी तैयारी ए पी एस टेट दी। कहते सर प्लीज़ दस दो, मेरी पटियाला स्टेट कॉलेज दी एडमिशन हो गई है, मेरे दसना की है नहीं पता, सॉरी। सर ईटीटी दियां रजिस्ट्रेशन कदों स्टार्ट ने? हजे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जदों इन्फॉर्मेशन आती है मैं शेयर करता हाँ। स्टेप ऑफ गवर्नमेंट सर, थर्ड काउंसलिंग दी लास्ट डेट कदों तक है? 18 तक के प्रोसीजर खत्म हो जाना है, लेकिन तुसी 11 12 13 दे विच तुहानू जो प्रोसीजर दस्या गया है उस वीडियो विच वो तुसी पूरा कर लो। इस वीडियो विच दस्या गया है पूरा, तुसी अपने कॉलेज नू रिपोर्ट करनी है टाइमली, उन्होंने मैरिट बना के तुहाडा एनरोल करना है। नॉर्मली क्योंकि घट सीटा घट कैंडीडेट ने सीटा ज़्यादा हो गया, इसलिए एनरोलमेंट सीधी हो जाएगी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी नू इनफॉर्म करना है। गुड मॉर्निंग सर, मैम प्राइवेट कॉलेज एडमिशन ले सी, बट मैं गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहती हूँ, मैनू मिल गई हूँ मिल जी, मैनू नहीं पता लगा की क्वेश्चन है, सॉरी। सर सेकंड काउंसलिंग च एडमिशन तो बाद जे कॉलेज चेंज करना होवे तो की कर सकते हैं, की प्रोसेस है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी चेंज की करना है, शिफ्टिंग फीस है, शिफ्टिंग फीस नहीं है कि जिस कॉलेज में ऑलरेडी तुसी फीस जमा करवाई है वो कॉलेज में जो एप्लीकेशन रिफंड ली करोगे तो 1000 रुपया कट लेंगे थोड़ा, और जिस कॉलेज तुसी एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट जाके उस एडमिशन थर्ड काउंसलिंग ले लोगे। सर बीएड डिस्टेंस रही, एडमिशन कदों स्टार्ट ने? चल रही है प्रोसेस, स्टार्ट है, फिर भी मैं कन्फर्म करके एग्जैक्ट डेट पता कर दाँगा। मैं पिछले हफ्ता पहला पता किया, कहते स्टार्ट हो जाएगी एक अद्धे दिन। सर कुछ लोग कहते हैं कि ईटीटी इस साल तो बंद कर देंगे, ये सच है? प्लीज़ गाइड सर, कितने असी बीएड विच एडमिशन लैन तो भी ना रह जाइए, इस साल बर्बाद हो जाए। देखो नॉर्मली क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एलीमेंट्री एजुकेशन से जोर है, वो ईटीटी जरूरी है, तो ईटीटी बंद हो जाएगी। कोविड जे प्रॉब्लम आई सी कि एक्सटेंड हो गया सी, मिस होया सी एक साल, लेकिन हुन नॉर्मल कंडीशन ने होनी नहीं चाहिए, जे हुंदी है बिल्कुल इनजस्टिस होएगा। इन्फॉर्मेशन क्योंकि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिता है कि एंट्रेंस टेस्ट होएगा, इस तरह एडमिशन होएगी, जो नोटिफिकेशन आ चुका है इट मीनस उसनों कोर्ट विच चैलेंज किया जा सकता है, दैट इज़ वाई होएगी, हजे तक भी खबर के मुताबिक होएगी। सर बीएड कर दे, क्योंकि ये प्रोसीजर 2 महीने लग जाते हैं, तुम ये सोचो कि क्योंकि एनुअल सिस्टम है ईटीटी का, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, दिसंबर च पेपर नहीं होने, जून मई च जाके पेपर होने ने। सो ठीक है, सानू ही लगता है एनुअल सिस्टम असं भूल चुके हैं ना। सर बीएड करते हुए सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं? नहीं दे दो, पर कंपीट नहीं कर सकते, सिर्फ सैल्फ टैसट करने लिए अपीयर हो रहा हो सकते हैं, लेकिन तुसी रिजल्ट आ जाता है, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तुसी कंपीट नहीं कर सकते, जब क्योंकि उदों तक रिक्वायर्ड डिग्रीज डीएमसी तुहाडे रिजल्ट आउट होया होना चाहिए है। प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल एडिशनल पेपर का प्रोसैस बता दो। मैं एक अद्धे दिन बता दिना, मैं थोड़ा बिजी सी, मैं फुल ऑफ करना चाहते हाँ भी, सॉरी वेरी सॉरी, मैं माइंड है, मैं कल देखता हाँ। एडिशनल पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी एडिशनल पेपर किड़े बीएड दे? प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्रोसैस फिल करना है, मैं तुझे दस्या नहीं बीएड दे कि बीए दे, 4000 टोटल सर। मनदीप का प्लीज़ पीयू चंडीगढ़ विच बीएड दे एडिशनल पेपर दे फॉर्म, वेरी सॉरी सर एडिशनल पेपर दे बना दिना सर। तुहाडी बुक केड़ी है? हाँ मैं दस दबना, जो आप पढ़ना शुरू कर दे सारा कुछ क्लीयर कर देना, सब कुछ शेयर कर दा तुहाडे नाल। हैलो सर, बुक्स नू इंप्रूव भी कर रहा हाँ, है ना, सो लेटेस्ट वाली दसदा है तुहानू।
हेलो सर, मेरे बीए में पॉलिटिकल साइंस पंजाबी इलेक्टिव हिस्ट्री है, तो बीएड में क्या लूँ? अगर करनी है तो कैसे? मैं आपका बन रहा है पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री भी है आपके पास, ये हिस्ट्री रही पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी और पंजाबी इलेक्टिव है, एसएसटी और पंजाबी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सर मेरे 79 स्टेट कॉलेज विच एडमिशन हो जाएगी। लास्ट कट ऑफ देखो, हूँ तो डायरेक्ट काउंसलिंग है, तुम तीजे विच जाके देख सकते हो। सर रेगुलर क्लासेस कदों स्टार्ट होणगियां? वी तो पहला पहला वी या वी तक हो जाएगियाँ। 74 एससी कैटेगरी सर, काउंसलिंग 8 सितंबर, चैलेंजेस थर्ड क्वेश्चन नहीं है एक्चुअलाइज। 4th सैम पीयूपी दे रिजल्ट कदों आऊगा? सप्ली दा मे बी एग्जाम दिता सी। कोई भरोसा नहीं है रिजल्ट दा, कोई भरोसा नहीं है। नॉर्मली सर बीएड दे बाद टीजीटी टेस्ट दे सकते हाँ? यस बिल्कुल, टीजीटी सिलेक्शन टेस्ट नूं कह रहे हैं, तो लीगली तुसी नहीं दे सकते, सिर्फ अपीयर होकर टेस्ट देख सकते हैं, इस तो इलावा नहीं कंपीट नहीं कर सकते। सर लंड प्राइवेट कॉलेज भी नहीं होगी? नहीं पता लगा की कह रहे हैं। सर गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला च मैं सीट ली सी 70 मार्क्स में, थर्ड ओपन काउंसलिंग में, नहीं समझ आया कि क्वेश्चन है। सर मैं थोड़ी तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया सी, तुसी रिप्लाई नहीं किया मैनू, मैं नॉर्मली सारे करदा, एकदम मिस होया होएगा। 8427458438 43, हाँ तुहाडे को नंबर है, तुसी कॉल कर लो मैनू मैसेज दे के। जो मैं पढ़ता है सर रिप्लाई प्लीज़, मैं देखिए कोई मिस होया होएगा सर, इट्स अर्जेंट है ना, इदा करके मैसेज करो, मैं उदो ही बैक कॉल कर लेना। ये बिग सर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली तो मिल जाएगी में पीटीए करें, नहीं पता चला भी क्या करें। खाली तो मिल जाएगी जाऊंगा कार कॉलेज में ना, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन। सर मेरे ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स ने की, मैनू बीएड करनी चाहिए है, काइंडली रिप्लाई। जेदा डेडिकेशन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50% है, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, दोबारा बीए कर सकते हो, पर सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी तो लगता है कि सिलेक्शन टेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब से जाना है ना, सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी भरपूर कर सकते हो, तो लगता फिर ये तो मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, सिलेक्शन टेस्ट ही सारे दे मार्क्स काउंट हो जाते हैं, 150 नंबर का होंगे है, जे इन्हें कॉन्फिडेंट है तो जरूर करनी चाहिए है। दूसरा है कि जे तुसी गवर्नमेंट जॉब च नहीं जाना, प्राइवेट च जाना चाहते हो, प्राइवेट च 51% मार्क्स नहीं देखे जाने, जॉब मिल जाती है। सो तुहाडे जे अच्छा टीच करोगे नेचुरली सैलरी भी फुल मिल जाती है, जिनी भी सीबीएसई या जेड़ा बोर्ड है निर्धारित है। सर थर्ड काउंसलिंग कदों है? शुरू हो गई है मेरे ख्याल से। सर जे किसी के 4th सैम चो सप्ली आई है नहीं कर सकते फिर? सर प्लीज़ कल में काफ़ी है क्वेश्चन, ये हो गए हैं। और कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।